हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर जान लेना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा से ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भूल कर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इस शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें आपको जान लेना बहुत जरूरी है। आप जब भी हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बाया अंग माना जाता है, जो पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अब ये जान लेते हैं कि कौन सी पात्र से शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं, इसीलिए इस पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे वाले पात्र से दूध चढ़ा देने से वो विष के समान बन जाता है। वहीं ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अब ये जान लेते हैं कि शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए खड़े होकर के। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें, यहाँ तक कि रुद्र अभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शास्त्रों द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान रखना चाहिए।